नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें, क्योंकि आज की सारी खबरें काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही अच्छे दिन की। जी हाँ, एक सबसे अच्छा दिन दशहरा है। जी हाँ, बुराई के ऊपर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है दशहरा। जी हाँ, आप सभी को सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब से आपको पता है कि बस दिवाली की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं बड़ी खबर से। जी हाँ, मोदी सरकार ने बढ़ाई है फ्री राशन वाली स्कीम। जाने कैसे और किसे मिल सकता है इसका लाभ। आपको बता दें, फ्री राशन की योजना के तहत देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, यानी कि अब आपको 5 साल तक के लिए फ्री में जो गेहूं राशन मिलता था वो मिलता रहेगा। जी हाँ, इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण जो गरीब योजना थी, जी हाँ, जिन लोगों को मिलता था, 1 जनवरी 2024 से 5 सालों तक के लिए बढ़ाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें देश के 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है गोल्ड प्राइस को लेके। बढ़ने लगे हैं सोने चांदी के भाव, जाने कहां तक पहुंचा है 22 कैरेट गोल्ड। आपको बता दें, अभी हाल ही के अंदर गुरुवार की शाम में 24 कैरेट शुद्ध सोना 74,838 रुपये प्रति 10 ग्राम, जहां चांदी महंगी होकर पहुंच गई है 75,600 रुपये। जी हाँ, जो सोने चांदी के रेटों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी आपको बता दें, राशन के बाद फ्री में गिफ्ट देगी यूपी सरकार। दिवाली से पहले इस ज़िले में मिलेगा 3.53 लाभार्थियों को लाभ। आपको बता देना चाहते हैं, केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल जो होली और दिवाली पर एक एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाता है, और इस योजना के तहत बदायूं के जिले की 3,53,410 लाभार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा और फ्री के अंदर उन्हें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जो कि दरअसल आपको पता है उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया जा रहा है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज़, स्मार्ट मीटर के खर्च से मिलेगी छूट। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के खर्च से छूट मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट मीटर स्थापना पर कोई भी खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। तो बिल्कुल भी एकदम बेफिक्र रहिए, आप पर कोई भी खर्च इस प्रकार का नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, दशहरे से दिवाली तक मेरठ दिल्ली की गंगा जल सफाई सप्लाई बंद। कल से 31 अक्टूबर तक पाइपलाइन बंद। आपको बता देना चाहते हैं, 12 अक्टूबर यानी कि आज से ही आधी रात से 31 अक्टूबर तक के लिए मेरठ गाजियाबाद समेत दिल्ली को गंगा जल की सफाई जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। जी हाँ, मेरठ में नगर निगम की ओर से ट्यूबवेल से वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश दिया गया है। जी हाँ, विजयदशमी से दिवाली तक गंगा जल की सफाई को हरिद्वार से बंद करा दिया जाता है, और इसके तहत सिंचाई विभाग ने नगर निगम, जल निगम और दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, महंगाई की मार से बचाएगी सरकार। भारत ब्रांड दाल चावल और आटा फिर मिलेंगे। आपको बता देना चाहते हैं, महंगाई की मार से आम जनता को बचाने के लिए सरकार ने बाजार के भाव से कम कीमत पर आटा, दाल और चावल बेचना शुरू कर दिया है। सबसे पहले पिछले साल नवंबर में भारत में जो भारत आटा है वो बाजार में उतारा गया था। वाकई में ये बहुत ही अच्छी पहल है, जो लोगों के लिए मतलब महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं और बाजार से कम रेट पर ही देना सामान, एक बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, इसके लिए काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास अलग अलग भाषाओं में होगा अंकित। जी हाँ, तैयार हो रहे हैं पत्थर। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ राम भक्त खासकर युवाओं को राम मंदिर के प्राचीन व आधुनिक इतिहास से परिचित कराने की योजना बनाई गई, और इस योजना के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं में इतिहास को अंकित किया जाने वाला है, यानी वहाँ लिखा जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, मालगाड़ी से टकराई है दरभंगा एक्सप्रेस। टक्कर के बाद लगी है आग, ट्रेनों के बदले रूट। अभी आपको हाल ही में बता दें, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक ट्रेन एक्सीडेंट का मामला सामने है, और यहाँ कवारा पेटी रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गया। हादसे के बाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा दे रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत बड़ा भयंकर हादसा है। यहाँ 2 बोगियों में आग
हादसे का ज़्यादा प्रभाव मालगाड़ी पर पड़ा। हादसे में कुछ यात्री भी घायल किए बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, राहत और बचाव का कार्य जारी चल रहा है। दो ऐसी बोगियों में आग लग गई थी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, मोदी सरकार से समर्थन वापस ले नीतीश, अखिलेश यादव की मांग पर भड़क गई जेडीयू। आपको बता देना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद से जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस द्वारा जो लागू हुई इमरजेंसी और तानाशाही है उसकी याद दिलाई है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, तमिलनाडु में ट्रेन हादसा हुआ है। बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई है। मैसूर से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। जी हाँ, काफ़ी लोगों के घायल होने की संभावना बताई गई है। रेलवे के मुताबिक मौके पर बचाव कार्य जारी कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, पीएम मोदी की ईस्ट एशिया समिट में दिखी धाक, दुनिया के देशों को पढ़ाया शांति का पाठ। आपको बता दें, पीएम मोदी ने पूर्वी एशियाई सम्मेलन में दिए संबोधन के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ काम करना चाहिए, ये किसी के लिए भी सही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, दिल्ली में बिक रहे हैं न्यूक्लियर बंकर, 3 साल तक सेफ रखने का दावा, करोड़ों देकर बुक करा रहे हैं लोग। आपको बता दें, दुनिया में कई कोनों पर जंग छिड़ चुकी है और इससे दिल्ली में भी बेअसर नहीं है। इतना नहीं, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर बंकर बनने लगे हैं। आप चाहें जैसे चाहें उसे अंडरग्राउंड कंटेनर खरीद सकते हैं और लग्जरी शेल्टर कस्टमाइज कराए जाते हैं। और इसमें कितने दिन के लिए आप रह सकते हैं, सिर्फ ब्लास्ट से बचना है या केमिकल वेपन से भी, हर डिमांड के साथ कीमत बढ़ती जाएगी। आप उस टाइप का बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप अगर पोज करके पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है, महंगा कहने वालों की मुकेश अंबानी ने की बोलती बंद, रोज़ 2.5 GB डेटा कीमत सिर्फ नाम मात्र। आपको बता दें, इस चीज़ को बहुत अच्छा करने के लिए रिचार्ज सर्विसेज को काफ़ी सस्ता कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, अभी जियो के 365 डे का प्लान है वो आप करवा सकते हैं, या फिर आप 3599 वाला जो प्लान है। जी हाँ, और इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जियो टीवी है, जियो क्लाउड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी हाँ, जो वाकई में आपको हेल्प करेगी अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीच हवा में फेल हुआ एयर इंडिया फ्लाइट का हाइड्रोलिक सिस्टम, कई घंटे आसमान में उड़ने के बाद की सेफ लैंडिंग। आपको बता दें, हवाई अड्डे पर सुरक्षा के मद्देनज़र 20 से अधिक एम्बुलेंस और फायर टेंडर तैनात कर दिए गए। आपातकालीन सेवाएं हर तरह से तैयार है ताकि किसी भी असंभावित दुर्घटना से निपटा जा सके। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, अमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा, LG मनोज सिन्हा से की है मुलाकात। आपको बता देना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया है, उसके बारे में जो भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।